जोया जी, आपने देखा क्या उस लड़की को जा भी भागी? हाँ, दरअसल वो जो भी था शायद उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, इसलिए मैं बाहर आई। जरा देखो तो इधर उधर कोई कोई चिट्ठी वगैरह तो नहीं छोड़े आपके लिए? हाँ, एक चिट्ठी है। मैंने कहा था मुझे सब पता है कैसे मामले होते हैं, ऐसे मैं बड़ी PhD कर रखी हूँ इस सब में। क्या है चिट्ठी में? क्या पढ़ रही हूँ। अरे ओ, क्या हुआ? क्या हुआ सुमित्रा? जोया के घर पे एक लड़की आई थी, उसके घर के आगे एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। अभी जोया जी चिट्ठी देख रही है या चिट्ठी जोया जी को देख रही है वही पता नहीं चल रहा। और जोया जी शर्वरी जरा धक्का दीजिए उसको। जोया, क्या हुआ शर्वरी? क्या हुआ? मुझे तो लगा चिट्ठी में ही खो गए। वो चिट्ठी पढ़ना नहीं आता क्या आपको? इधर तो मुझे, मैं देखती हूँ क्या। इसको भी पढ़ना नहीं आता? अरे मैं ही आती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ, दोनों अनपढ़ है। रुक जाइए वहीं पे, मुझे पढ़ना आता है, सोया को भी आता है, मैं बता रही हूँ। आधा पढ़ी है ना, किसका इंतजार कर रही है इतनी देर से? इस चिट्ठी में यह लिखा है कि बच के रहना, मैं आ रही हूँ। कौन आ रही है? चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पता नहीं किसने भेजी है। ये कौन हो सकता है? मुझे तो लग रहा है ये जरूर कोई डेंजरस इंसान होगा। मैं वो देखती हूँ ना सत्र का इंडिया, उसमें दिखाते हैं ऐसा ही चिट्ठी वगैरह जो भेजते हैं ना, वो अक्सर विलन ही होते। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कोई खतरनाक है। वैसे आपके किसी के साथ दुश्मनी है क्या? नहीं तो? तो फिर ऐसी चिट्ठी क्यों आई? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसे के साथ लपड़ा सुमित्रा जी? ऐसे लपड़े बाद ऐसे ही करते हैं लड़के, बदला लेते हैं बाद में, इसलिए मैंने बोला। शर्वरी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे जब बॉडीगार्ड हो साथ तो डरने की क्या है बात? मैं ये कहना चाहती हूँ आप बॉडीगार्ड को कॉल करो, कहो थोड़ा सा पहरा दो हमारे यहाँ पे, मुझे ऐसी ऐसी चिट्ठी आई, देखो बिना पैसे के दौड़ता दौड़ता आएगा। नहीं नहीं, मैं उनको नहीं बुला सकती। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, अरे बुलाना ही पड़ेगा बॉडीगार्ड। क्या कहते हो शर्मिला? खतरनाक चिट्ठी आई है। हाँ, ऐसी चिट्ठी आए तो बुलाना तो पड़ेगा ये। रुको, मैं ही कॉल करके बुलाती हूँ। वी वॉन्ट बॉडीगार्ड, वी वॉन्ट बॉडीगार्ड। है लड़की का मामला है, हमको रिस्क नहीं ले सकते। हेलो हेलो, पहचाना कि नहीं? मैं वो वो अरे सुमित्रा झा बोल रही हो? काट दिया क्या? कट गया होगा शायद, कट गया, कट गया, गलती से गया। ब्लॉक कर दिया क्या? एक मिनट ना, दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ। इनकी हरकतें ऐसी है, सब एक दिन इनको ब्लॉक कर दें। सिम का ही प्रॉब्लम है, वो ऐसा होता रहता है। क्या रे, ब्लॉक किया मुझे? नहीं नहीं, ए अभी अभी फोन नहीं रखने का, ये देख बहुत जरूरी बात है, जोया के ऊपर खतरा आ गया है। क्या बात कर रही हो आप, जोया जी के ऊपर खतरा? आप वाया पटरी पे क्यों उतर के गई थी? तेरी गाड़ी पटरी से, सुमित्रा का नाम सुनते ही जोया का नाम सुनते आ गई ना पटरी पे। अच्छा सुनना, क्या है जोया को सुबह सुबह अभी एक लड़की चिट्ठी देके गई है, उसकी लड़की का हमने शक्ल नहीं देखा, पर वो चिट्ठी रख के चली गई। चिट्ठी में लिखा है बच के रहना, मैं आ रही हूँ। किसने भेजी है चिट्ठी, कुछ पता है आपको? इतनी हमें अकल होती तो हम क्यों तुझे कॉल करते, उसमें कुछ नहीं लिखा किसने भेजा है क्या है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आ जा जरा, थोड़ा सा देखभाल कर यहाँ आके। देखिए मैं अभी तो जरा बिजी हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां पे आऊंगा, देखते हैं। देखना नहीं, आना ही पड़ेगा। अरे प्यार का लड़की का मामला है, उसके ऊपर, उसके जान के ऊपर खतरा है, बेचारी अकेली रहती है, जरा समझा कर। मत कर बस, आ जा, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। बोल रहा है वो आएगा, ऐसा बोल रहा है, आ जाएगा। प्यार का मामला है, आना ही पड़ेगा। इंतजार के कब आएगा बॉडीगार्ड?
क्या रे, मेरा नंबर को ब्लॉक करता है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है। हाँ, मैंने क्या घोड़े मारे तेरे? क्योंकि आप बेतु की बातें करती हो, मुझे बेतु की बातें पसंद नहीं, इसलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्या बेतु की बात की? मैंने कुछ बेतु की बात नहीं की। बड़ा आया बेतु की बात, उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है तुझे। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, जा मिल। हेलो, एक काम कीजिए आप, अंधेरा अंधेरा की बात करते हैं। कितनी चालू है, खुद अंदर लेके का देखो। मुझे सुमित्रा जी ने कॉल के ऊपर सारी बातें बता दी है। किसी अनजान शख्स ने आपके दरवाजे के बाहर चिट्ठी रखी है। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है ये? आपकी किसी के साथ दुश्मनी? पता नहीं, जहां तक मेरी समझ जाती है मेरा ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसा काम आपके घर वालों में से किसी ने किया होगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे घर वाले बहुत समझदार हैं और ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता है। आपका कोई दोस्त जिसके ऊपर आपको शक है वो ऐसी हरकत कर सकता है? नहीं, जहां तक मेरे दोस्तों का सवाल है वो भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और यहाँ से तो वो काफी दूर रहते हैं सबके साथ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, देखते हैं एक दो दिन क्या होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम इसको प्रैंक समझ के छोड़ देंगे। आप चिंता मत कीजिए और बेफिक्री से यहाँ पे रहिए। प्रेमिका ने प्यार से जो भी आओ, ये रील करना बंद कर दीजिए। क्यों भाई, मेरी मर्जी मैं करूंगी, तू कौन होती है बताने वाली? मुझे पता है ना तू मेरे ऊपर जल रही है क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। हाँ, जल मेरे दुश्मन, मैं क्यों जलूंगी? आपको पता है क्या हुआ था सर्टी में? क्या? जोया जी को धमकी की चिट्ठी आई है। ओह नो, और जोया जी बहुत डरी हुई है। अच्छा जोया डार्लिंग। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? आपको दिख नहीं रहा, मैं जोया जी के घर के बाहर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी बकवास बंद कर, मुझे जोया डार्लिंग से मिलना है। ऐसा कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सुबह ही उनको एक चिट्ठी आई है और चिट्ठी में उनको धमकी दी थी, इसीलिए मैं किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। क्यों भाई? अरे मैं जोया की जिगरी दोस्त हूँ, हम दोनों कितने दिनों से दोस्त है, अरे वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, आधा टुकड़ा ये आधा टुकड़ा वो। तुझे कुछ समझ में भी आता है कि नहीं? मुझे ऐसा रोक नहीं सकता तू, मैं उसकी शुभ चिंतक हूँ। अक्सर जो लोग ये कहते हैं हम शुभ चिंतक है, वही ऐसा काम करते हैं। कहीं सुबह जो चिट्ठी भेजी वो आप तो नहीं? हे यू मैनर्सलेस, मैनर्स नाम का चीज है तेरे अंदर? तू क्या बोल रहा है, मैंने उसको चिट्ठी भेजी? अरे नहीं बोलती, जाने दो। जोया डार्लिंग दरवाजा खोलो। देखिए कुछ भी हो जाए पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, ये फुल एंड फाइनल डिसीजन है मेरा। आपको अगर यहाँ पे रुकना हो तो बेझिझक रुक सकती है। अच्छा तो तू नहीं मानेगा? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। जोया डार्लिंग धीरे बोलिए। जोया डार्लिंग मैं बोल रहा हूँ, धीरे बोलिए। जोया डार्लिंग श्रेया की दादी, देखना ये कैसा बोल रहा है मुझे, हम दोनों कितने अच्छे सहेलियां हैं, जरा समझे इसको, साथ में हमने डांस किया है और अब ये बोल रहे हैं कि जो धमकी की चिट्ठी दे वो मेरे से। देखिए इनको मत रोकिए, अंदर आने दीजिए, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मुझे पता है आपका इनके ऊपर भरोसा है, पर जिनके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है हमेशा वही विश्वासघात करते हैं। आप इन्हें गलत समझ रहे हो, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती, इनफैक्ट सपने में भी नहीं सोच सकती, मैं इनको बहुत दिनों से जानती हूँ, आप इन्हें प्लीज अंदर आने दीजिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे मैनर्सलेस, क्यों तुझे गर्ल्स में बॉयज करना है? हम दोनों गर्ल्स टॉक करना चाहती है ना, तो रुक बाहर ही। प्लीज यहीं पे रुकिए आप, हम दोनों बात करते। जैसी आपकी मर्जी। जोया डार्लिंग तू ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? श्रेया की दादी आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं एकदम सही सलामत और ठीक हूँ, आप देख रहे हो ना मुझे? मुझे वो मैनर्सलेस ने बताया कि वो सेवे से चिट्ठी आई हो, किसने किसने भेजी तुझे चिट्ठी? पता नहीं किसने भेजा है, जो कुछ भी है जानबूझ के कर रहा है शायद, मुझे डराने के लिए। तेरा कोई दुश्मन तो नहीं? नहीं नहीं, आपको तो पता है मेरा नेचर कैसा है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं जहां तक मुझे पता है। कौन हो? कोई वो तेरा पुराना आशिक जेल से छुटके वापस बाहर तो नहीं आ गया? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सुमित्रा जी ने कहा कोई लड़की थी जो भागी, तो वो कैसे हो सकता है?
रहने दो, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, अपना ख्याल रखना हो, मैं आती जाती रहूंगी ऊपर ऊपर।